कॉपिंग ए लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उसमें हम क्या कर रहे हैं, सुबह उठते हो किसका है, नींदा भी हो रही है, चुगली हो रही है, शाही कपट है, इस उसकी बातें हैं, तो मैंने सुबह सुबह क्या भेजा यूनिवर्स में, परमात्मा को क्या भेजा, आत्म मोचन कौन सा करा मैंने, शरीर का तो बाद में कहेंगे, पहले क्या करा इस चीज के लिए। अगर आप आज की रात जितने घंटे आप इधर को अगर समझ जाओ, सोचो कि डॉक्टर हमें मन की, मन का डॉक्टर हमें दवाई दे रहा है, ऐसे तो शरीर का डॉक्टर होता है, आप ही के लिए भला होगा, आपका जीवन सुंदर बने, चाहे हम 10 दिन जिए चाहे 10 साल जिए, हम हेल्दी रहेंगे विचारों के बदलने से। हर कोई पूरा यूट्यूब भरा हुआ है, सारे गुरु लोग क्या बोल रहे हैं आज, पॉजिटिव हो जाओ, वो कैसे होंगे, दो ही चीज है, मैं ये जो हमने अपने गुरु से ज्ञान सुना, तुम ये शरीर नहीं हो, आप सुन लोगे लेकिन लगाओगे नहीं, लगाओगे तो फिर देखो कि मैं आत्मा हूं, और वो आत्मा कैसे हूं, आत्मा किसी का बुरा नहीं करती है, दुश्मन का भी बुरा नहीं, बोलना भी नहीं है, सोचना भी नहीं है, उससे मैंने क्या करा, अपनी ओरा नेगेटिव कर दी, हर किसी का क्वेश्चन करेंगे ऐसे, अभी सुनना काम करिए, अभी करना शुरू कीजिए, अभी संसार में ऐसा समय है जहां करना है, बदल जाना है, बदला नहीं देना है, सोचो कितना भारी लगेगा, अभी शाम तक जो कर्म कर चुके होंगे इधर आने से पहले, उनसे माफिया ले लो कि अभी अभी पता चला है हम नहीं करेंगे, ये वाइब्रेशन आपके घर में कैसी सुख समृद्धि लाएगा, एक बल्ब चाहिए घर में लाइट आने के लिए, जितने आप अगर बैठे हो एक जना, 10 जने घर में है नहीं बदलते हैं नहीं बदले, एक जने से प्रकाश हो जाता है, होता है कि नहीं, बताइए, सिर्फ एक जन, इतना सत्संग आप लोग सुन रहे हो, क्या नहीं है आजकल दुनिया में, कौन से गुरु लोग सत्संग नहीं दे रहे हैं, इसी के बारे में शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, अहंकार नहीं करो, आत्मा का ज्ञान है ये, शरीर इधर रह जाता है, क्यों रोते हैं जब शरीर पड़ा तो क्यों रो रहे हैं, बताइए, आप बताइए मुझे, क्यों रोते हैं, शरीर तो कहना, इसका मतलब अंदर कोई शिव था, अब शव रह गया है, उस शिव को क्या है, सबके अंदर, मेरे अंदर, आपके अंदर, वो एनर्जी है, वो उभरती है, मैं भी आपसे भी कितनी पूरी करती होंगी जब तक गुरु नहीं मिला था, जैसे ही मिला हम बदलना शुरू हो गए, आज आपके लिए भी तैयारी करती है, हम भी ऐसे ही थे लेकिन बदलते गए, नहीं तो मैं जाने का मतलब क्या सत्संग है, अगर मैं नहीं बदली, घर का काम छोड़ के जाते हैं हम, कितना काम होता है, फिर उधर लेने क्या चाहते, फोनों पे सुन रहे हो, सब सुन रहे हो, फिर प्रॉब्लम क्या है, आपकी पॉजिटिविटी मैं इसलिए कर रही हूँ कि जितना मैं जहां जहां जाऊं वहां भी पॉजिटिव, आप सबकी, मेरी ही खाली नहीं, आप सबकी वाइब्रेशन चाहे 2 घंटे के लिए परमात्मा को मिलेगा, यूनिवर्स में मिलेगा, बड़ी बड़ी घटनाओं से बच जाए, वो भी बच जाएंगे, हम भी बच जाएंगे, उसी समय नेगेटिव ऊर्जा क्या करेगी, मेरी ओरा काम कर देगी, ये आपा मंडल क्या होता है, बुद्ध के पीछे भी है, सबके अंदर होता है, तेज होता है, ओरा होती है, वो क्या है, आप देखते हो सूरज सुबह निकला है, सूरज फुल फ्लेज तेज के साथ निकला है, उसने सारी नदियां, पशु पक्षी, सब फूल फूल पेड़ पौधे सब खिल रहे, ऐसे आवाज, वही अगर आप आज से भी सीख भी रहे होंगे, पूरा टीवी भरा होता है गुरुओं से, रात को सोते समय माफी मांग लो जो भी गलती हुई है, सुबह उठते साथ एक मुस्कान रखो, मैं सबको बोलती हूँ, जितना भी रोना है कोई बात नहीं, सुबह 2.5 लाख लोग मर गए हैं दुनिया से, मैं उठ गई हूँ, ये परमात्मा तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है तुमने मुझे ग्रेस मार्क्स दिए हैं,
ऐसे 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 मुंह करके उठना, गुड मॉर्निंग नहीं बोलना, उधर जेठानी है, इधर सास है, इधर ये है, मत करो ये सब। मैं हाथ जोड़ती हूँ आप सबको, मत करो ये सब। कल को दुनिया से जाओगे कोई रोने वाला नहीं आपको, मुझे अच्छा होगा। आपको चाहिए ये, चाहिए कोई बोले तो बहन को भी जहां अभी सत्संग का मैंने बोला एक घंटा रोज मत जाओ, एक घंटे के लिए लेट जाओ, ये मेरी तरफ पहुंची। एक घंटे की प्रैक्टिस करोगे तो पूरा दिन कैसा निकलेगा? माफिया माफिया माफिया। सुनने में अच्छा लग रहा है।